सारल हरीज आउट लेफ्ट. सारल जो है एकदम से लेफ्ट में जल्दी से देखता है जाके. इन अ मोमेंट ही रीएंटर्स क्लोजिंग द डोर बिहाइंड हिम. तभी वो एकदम से लौट कर आ जाता है और दरवाजा बंद कर देता है. इट्स दैट सिली ओल्ड बैग फ्रॉम नेक्स्ट डोर मिसेस फिट्ज़गेराल्ड. यू डोंट वांट हर हियर डू यू. अरे ये तो वही लेडी है पुराने बगल से, यानी पड़ोसी है जो हमारी मिसेस फिट्ज़गेराल्ड, वो आई है. आप नहीं चाहती है कि वो यहाँ आए, है ना मिसेस पियर्सन? सर्टेनली आई डू. आस्क हर इन एंड डोंट कॉल हर सिली ओल्ड बैग ईदर. शी इज अ वेरी नाइस वुमन विद लॉट मोर सेंस देन यू विल एवर हैव. मिसेस पियर्सन कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि वो आए और उनको बुलाकर अंदर लाओ और उनको इस तरह से सिली ओल्ड बैग मत कहा करो. बहुत अच्छी लेडी है और उनमें कहीं ज्यादा अकल है तुम्हारे मुकाबले. सारल एक्सेस लेफ्ट. अब सारल वहां से चला जाता है. मिसेस पियर्सन फिनिशेस हर स्टाउट स्मैकिंग हर लिप्स. और मिसेस पियर्सन जो है वो जल्दी से अपनी ड्रिंक खत्म करती है और अपना लिप्स वगैरह पोंछ के सही खड़ी हो जाती है. सारल रीएंटर्स लेफ्ट अशरिंग इन मिसेस फिट्ज़गेराल्ड हु हेजिटेट्स इन द डोरवे. अब सारल जो है फिर दोबारा लेफ्ट से आता है और वो मिसेस फिट्ज़गेराल्ड को अंदर लेके आता है जो थोड़ा सा डोरवे पर झिझक रही थी. कम इन मिसेस फिट्ज़गेराल्ड. अब वो कहते हैं आइए आइए मिस फिट्ज़गेराल्ड. मिसेस फिट्ज़गेराल्ड मूविंग टू द लेफ्ट सेंटेंसली. आई जस्ट वंडर्ड इफ एवरीथिंग्स ऑल राइट. तो मिसेस फिट्ज़गेराल्ड कहती है मैं बस यही सोच रही थी कि क्या सब कुछ ठीक है. सारल नो इट इजंट. सारल कहता है नहीं कुछ भी ठीक नहीं है. मिसेस पियर्सन ऑफ कोर्स इट इज यू बी क्वाइट. तो मिसेस पियर्सन कहती है हाँ सब कुछ ठीक है तुम चुप रहो. सारल व्हाई शुड आई बी क्वाइट. सारल कहते हैं मैं चुप क्यों रहूं. मिसेस पियर्सन बिकॉज आई टेल यू टू यू सिली स्पॉइल्ड यंग पाइकैन. मिसेस पियर्सन हाँ क्योंकि मैं कह रही हूँ तुम बेकूफ बिगड़े हुए पाई खाने वाले यंग लड़के हो. मिसेस फिट्ज़गेराल्ड ओह नो श्योरली. तो मिसेस फिट्ज़गेराल्ड नहीं नहीं. मिसेस पियर्सन नाउ मिसेस फिट्ज़गेराल्ड जस्ट लेट मी मैनेज माई फैमिली इन माई ओन वे प्लीज. तो मिसेस पियर्सन कहती है नहीं नहीं मिसेस फिट्ज़गेराल्ड आप मेरे को मेरी फैमिली को अपने तरीके से चलाने दीजिए प्लीज. मिसेस फिट्ज़गेराल्ड यस बट सायरल. तो मिसेस फिट्ज़गेराल्ड कहती है हाँ पर सायरल. सायरल मिस्टर सायरल पियर्सन टू यू प्लीज मिसेस फिट्ज़गेराल्ड. अब जो सायरल है वो कहते हैं कि आपके लिए मैं मिस्टर सायरल पियर्सन हूँ. तो फिर वो जो है वहां से किचन में चला जाता है. मिसेस फिट्ज़गेराल्ड मूविंग टू द सेटी विस्परिंग ओह डियर व्हाट्स हैपनिंग. अब मिसेस फिट्ज़गेराल्ड बोलती है ये सब क्या हो रहा है. मिसेस पियर्सन नथिंग मच जस्ट पुटिंग देम इन द प्लेसेस दैट्स ऑल डूइंग व्हाट यू ऑट टू हैव डन लॉन्ग सिंस. तो मिसेस पियर्सन कहती है कुछ नहीं हो रहा है बस सब कुछ ठीक जगह उनकी जगहों पे लाया जा रहा है और क्या हो रहा है. ये काम आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था. मिसेस फिट्ज़गेराल्ड इज जॉर्ज हूं. तो मिसेस फिट्ज़गेराल्ड बोलती है जॉर्ज आ गए. मिसेस पियर्सन यस आई हैव बीन टेलिंग हिम व्हाट दे थिंक ऑफ हिम एट द क्लब. तो मिसेस पियर्सन बोलती है हाँ मैंने उनको बता भी दिया कि लोग उनके बारे में क्लब में क्या सोचते हैं. मिसेस फिट्ज़गेराल्ड वेल दे थिंक अ लॉट ऑफ हिम डोंट दे. तो मिसेस फिट्ज़गेराल्ड कहती है हाँ वो उनके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं है ना. तो मिसेस पियर्सन नो दे डोंट एंड नाउ ही नोज इट. तो मिसेस पियर्सन कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है और अब इस बात का उनको भी पता चल गया है. मिसेस फिट्ज़गेराल्ड ओह डियर आई विश यू हैडंट मिसेस फिट्ज़गेराल्ड. अब मिसेस फिट्ज़गेराल्ड यानी कि जो मिसेस पियर्सन है वो कहती है कि काश आपने उनसे ये बात नहीं कही होती मिसेस फिट्ज़गेराल्ड. मिसेस पियर्सन नॉनसेंस डूइंग देम ऑल अ वर्ल्ड ऑफ गुड एंड दे विल बी ईटिंग आउट ऑफ योर हैंड सून यू विल सी. मिसेस पियर्सन कहती है ये सब से उनके भले के लिए ही किया जा रहा है और अब देखना बहुत जल्द जो है वो अपने आप सब चीजें करना शुरू कर देंगे. मिसेस फिट्ज़गेराल्ड आई डोंट थिंक आई वांट देम ईटिंग आउट ऑफ माय हैंड. तो मिसेस फिट्ज़गेराल्ड कहती है कि नहीं मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो कि वो मेरे जैसे जो मैं करती हूँ मैं खाना बनाती हूँ उनके लिए वो सब चीजें अब वो अपने आप करने लग जाए. मिसेस पियर्सन वेल वॉट एवर यू वॉन्ट दे विल बी डूइंग इट ऑल थ्री ऑफ देम मार्क माई वर्ड्स मिसेस पियर्सन. मिसेस पियर्सन कहती है खैर तुम देखना अब जो तुम चाहती हो वो करेंगे सा तीनों के तीनों करेंगे तो मेरे शब्द याद रखना मिसेस पियर्सन. जॉर्ज एंटर्स लेफ्ट ग्लमली ही इज अनप्लेजेंटली सरप्राइज्ड व्हेन ही सीज द विजिटर. अब जॉर्ज जो है थोड़े से सैड हैं वो अंदर आते हैं लेफ्ट से थोड़ा सा वो जो है चौंक जाते हैं उनको देख कर जो विजिटर आए यानी मिसेस जो आई हैं फिट्ज़गेराल्ड उनको देख कर वो जो है चौंक जाते हैं. ही मूव्स टू द आर्म चेयर लेफ्ट सिट डाउन हैवीली एंड ग्लमली लाइट्स हिज पाइप. अब वो जो है लेफ्ट में जो आर्म चेयर पड़ी थी उस पर बैठ जाते हैं और फिर अपनी पाइप को जलाने लगते हैं. देन ही लुक्स फ्रॉम मिसेस पियर्सन टू मिसेस फिट्ज़गेराल्ड हु इज रिगार्डिंग हिम एंक्शियसली. फिर वो जो है मिसेस पियर्सन से मिसेस फिट्ज़गेराल्ड की तरफ देखते हैं जो उनको रिगार्ड कर रही हैं या उनके बारे में बता रही हैं. जॉर्ज जस्ट लुक्ड इन फॉर अ मिनट आई सपोज मिसेस फिट्ज़गेराल्ड.
तो जॉर्ज कहते हैं जरा एक मिनट के लिए मिसेस फिट्ज़गेराल्ड, एक मिनट मेरी तरफ देखिए। मिसेस फिट्ज़गेराल्ड, वेल यस आई सपोज सो जॉर्ज। तो मिसेस फिट्ज़गेराल्ड कहती हैं कि हाँ हाँ मैं एक मिनट के लिए। जॉर्ज जॉर्ज, मिसेस फिट्ज़गेराल्ड, ओह आई एम सॉरी। तो वो कहती हैं आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मिसेस पियर्सन, व्हाट डज इट मैटर, योर नेम इज जॉर्ज इजंट इट, हु डू यू थिंक यू आर, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग। तो मिसेस पियर्सन कहती है क्या बात है, है तुम्हारा जॉर्ज नाम है ना, तुम सोच तुम कौन हो, क्या ड्यूक हो एडिनबर्ग के। जॉर्ज एंग्रीली, व्हाट शी गॉट टू डू विद इट, जस्ट टेल मी दैट, एंड इजंट इट बैड इनफ विदाउट हर कॉलिंग मी जॉर्ज, नो टी पॉम्पी ओम्पी पियर्सन, एंड पुअर डोरिस हैज बीन क्राइंग हर आईज आउट अपस्टेयर्स, यस क्राइंग हर आईज आउट। अब जॉर्ज जो है थोड़ा गुस्से में है, मुझे उससे क्या लेना देना है या उसका मेरे नाम से क्या लेना देना है, मुझे सिर्फ ये बताओ क्या ये गलत बात नहीं है कि वो मेरे को जॉर्ज बुला रही है, कोई चाय नहीं पॉम्पी ओम्पी पियर्सन बोला जा रहा है, और बेचारी जो पुअर डोरिस है वो रो रही है अपस्टेयर्स पे, और उसकी बिल्कुल रो रो के आंखें बाहर आ गई हैं। मिसेस फिट्ज़गेराल्ड, ओ डियर आई ऑट यू हैव नोन। तो मिसेस फिट्ज़गेराल्ड कहती हैं काश तुम्हें अब तक पता हो जाता। जॉर्ज, यू ऑट टू हैव नोन, व्हाई यू ऑट यू टू हैव नोन, नथिंग टू डू विद यू मिसेस फिट्ज़गेराल्ड, लुक we are at 6s and 7s here just now, so perhaps you will excuse us. George jo hain ab wo Mrs. Fitzgerald ki taraf jo hain thoda gusse se dekhte hain. Tumhe malum hona chahiye tha, tumhe kya malum hona chahiye tha, aapka isse kya lena dena hai Mrs. Fitzgerald. dekhiye yahan pe abhi hamare yahan aapas mein hi jo hai jo bhi baat ho rahi hai wo aapas ki hai, to aap please hum logo ko excuse kare. Mrs. Pearson, I won't excuse you George Pearson, next time a friend or neighbor comes to see me just say something when you see her, गुड इवनिंग और हाउ डू यू डू और समथिंग, एंड डोंट जस्ट मार्च इन एंड सिट डाउन विदाउट अ वर्ड, इट्स बैड मैनर्स। अब मिसेस पियर्सन जो हैं, इससे पहले कि मिसेस फिट्ज़गेराल्ड जवाब देती, मिसेस पियर्सन ने कहा मैं तुम्हें एक्सक्यूज नहीं करूंगी जॉर्ज पियर्सन, अगली बार मेरे से कोई फ्रेंड या नेबर मिलने आती है तो जब तुम उसको देखते हो तो उनको कुछ विश करो, एटलीस्ट गुड इवनिंग बोलो, हाउ डू यू डू बोलो, या फिर कुछ और, ये नहीं कि सीधे आए और बैठ गए बिना किसी वर्ड के, ये बैड मैनर्स हैं। मिसेस फिट्ज़गेराल्ड, No, it's all right. तो मिसेस फिट्ज़गेराल्ड नहीं नहीं कोई बात नहीं। मिसेस पियर्सन, No, it isn't all right. We'll all have some decent manners in this house, or I will know the reason why. Well, तो मिसेस पियर्सन कहती है नहीं ये बिल्कुल ठीक नहीं है, हमारे को घर में जो है कुछ मैनर्स होने चाहिए और मुझे इसका कारण पता है कि क्यों। तो जॉर्ज, वेल वेल वॉट, तो जॉर्ज कहते हैं सही मतलब क्या क्या कहना चाह रही हो। मिसेस पियर्सन, Why don't you get off to your club? Special night tonight, isn't it? They will all be waiting for you, wanted to have a good laugh. Go on then, don't disappoint them. अब मिसेस पियर्सन उनसे कहती हैं, तुम अपने क्लब क्यों नहीं चले जाते हो, एक तरह से ताना मार रही थी कि तुम क्लब क्यों नहीं चले जाते हो, आते तुम्हारी स्पेशल नाइट है, वो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, वो हमको कोई तो चाहिए जिसके वो देख के वो हंस सकें, जाओ उनको क्यों उनको निराश कर रहे हो। जॉर्ज, दैट्स राइट, मेक मी लुक सिली इन फ्रंट ऑफ हर नाउ, गो ऑन डोंट माइंड मी, sixes and sevens, poor Doris been crying her eyes out, getting the neighbors in to see the fun. All right, let her hear it. What's the matter with you? Have you gone balmy or what? अब जॉर्ज जो है उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं ठीक है, अब तुम इनके सामने भी हम लोगों को बिल्कुल ऐसे बोल रही हो मूर्खों की तरह, बोलती रहो, हम लोग ये मत सोचो कि हम लोग हैं, जो बोलना है वो बोल दो, ऊपर जो डॉरिस है वो रो रही है, तुम नेबर्स जो है वो हमारे आके तमाशा देख रहे हैं, ठीक है उनको भी सुनने दो, तुम्हें हो क्या गया है, तुम क्या आज सनक गई हो। मिसेस पियर्सन, इफ यू शाउट एट मी अगेन लाइक दैट जॉर्ज पियर्सन, आई विल स्लैप योर बिग फैट सिली फेस। तो मिसेस पियर्सन ने कहा अगर अब तुमने मेरे पे जो है इस तरीके से चिल्लाया जॉर्ज पियर्सन, तो मैं तुम्हारा ये जो चेहरा है मोटा सा बड़ा सा बेवकूफ सा, इस पे जोर से थप्पड़ मार दूंगी। मिसेस फिट्ज़गेराल्ड, ओ नो 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 प्लीज मिसेस फिट्ज़गेराल्ड। तो मिसेस फिट्ज़गेराल्ड कहती है नहीं 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 मिसेस फिट्ज़गेराल्ड। George staring at her. Either I am off my chump or you two are. How do you mean? No, no, please, Mrs. Fitzgerald. Look, you are Mrs. Fitzgerald. So why are you telling yourself to stop when you are not doing anything? Tell her to stop. Then there'd be some sense in it. I think you must be tiddly. George कहते हैं कि या तो मैं बेवकूफ हूँ या तुम दोनों बेवकूफ हो। तुम्हारा मतलब क्या है कि no, 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 please, Mrs. Fitzgerald. आप देखो आप खुद मिसेस फिट्ज़गेराल्ड हो
और आप अपने को कैसे बोल सकते हो कि रुक जाओ ऐसा मत करो, जबकि आपका इसको कुछ लेना देना नहीं है, उसको बोलो रोकने के लिए, तब तो इसमें कोई बात भी है। मुझे तो लगता है आपने भी पी रखी है। मिसेस पियर्सन, से दैट अगेन जॉर्ज पियर्सन। तो मिसेस पियर्सन कहते हैं दोबारा बोलना जरा इस बात को जॉर्ज पियर्सन। जॉर्ज, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। तो जॉर्ज कहते हैं ठीक है ठीक है ठीक है। डॉरिस एंटर्स लेफ्ट स्लोली लुकिंग मिजरेबल, शी इज स्टिल वेयरिंग द रैप। मिसेस पियर्सन सिट्स ऑन द सेटी। अब डॉरिस जो है धीरे से लेफ्ट से आती है, वो थोड़ी सी दुखी लग रही है, अभी भी उसने वो जो है रैप पहना हुआ है, और मिसेस पियर्सन आराम से सेटी पे बैठी है। मिसेस फिट्ज़रॉल, हेलो डॉरिस डियर। अब मिसेस फिट्ज़रॉल कहती हैं कि कैसे हो डॉरिस। डॉरिस, हेलो मिसेस फिट्ज़रॉल। डॉरिस जो उनको हेलो करती है। मिसेस फिट्ज़रॉल, आई थॉट यू वर गोइंग आउट विद चार्ली स्पेंस टुनाइट। मिसेस फिट्ज़रॉल कहती है आज मुझे शायद तुम चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा रही थी। डॉरिस, व्हाट्स टू डू विद यू, तुम्हें उससे क्या लेना देना है। मिसेस पियर्सन, स्टॉप दैट। मिसेस पियर्सन कहती हैं चुप करो। मिसेस फिट्ज़रॉल, नो इट्स ऑल राइट। मिसेस फिट्ज़रॉल कहती हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं। मिसेस पियर्सन, इट इजंट ऑल राइट, आई वोंट हैव अ डॉटर ऑफ माइन टॉकिंग टू एनीबॉडी लाइक दैट। नो, नाउ आंसर मिसेस फिट्ज़रॉल प्रॉपरली। डॉरिस, और गो अपस्टेयर्स अगेन। अब मिसेस पियर्सन जो कहती है नहीं ये बिल्कुल ठीक नहीं है, मेरे को ऐसी लड़की नहीं चाहिए जिसको बात करने की तमीज नहीं हो, अगर जवाब देना है मिसेस फिट्ज़रॉल को तो सही से दो। तो डॉरिस जो है ऊपर चली जाती है स्टेयर्स पे, और वो डॉरिस जो है अब अपने फादर की तरफ बड़े उससे देख रही है कि क्या करें। जॉर्ज, डोंट लुक एट मी, आई गिव इट अप, आई जस्ट गिव इट अप। जॉर्ज कहते हैं मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, बस अब मुझे नहीं पता क्या करना है। मिसेस पियर्सन, वेल आंसर हर। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं उसको जवाब, इनको जवाब दो। डॉरिस, आई वॉज गोइंग आउट विद चार्ली स्पेंस टू नाइट बट नाउ आई हैव कॉल्ड इट ऑफ। डॉरिस कहती हाँ मैं चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा रही थी पर अब मैंने मना कर दिया है। मिसेस फिट्ज़रॉल, ओह व्हाट अ पिटी डियर, व्हाई हैव यू। तो मिसेस फिट्ज़रॉल कहती हैं अरे बड़े दुख की बात है पर ऐसा क्यों किया। डॉरिस, बिकॉज इफ यू मस्ट नो माई मदर्स गोइंग ऑन एट मी मेकिंग मी फील मिजरेबल एंड सेइंग दैट ही इज गॉट बक टीथ एंड इज हाफ विटेड। तो डॉरिस बोलती हैं कि अगर आप जानती हैं या जानना चाहती हैं तो ये जो मेरी मदर हैं ये जो है मेरे को दुखी कर रही हैं, वो कह रही हैं कि क्या कहते हैं मैं जो चार्ली स्पेंस के साथ जा रही हूँ उसके दांत बाहर निकले हुए हैं, वो आधा कम अकल इंसान है। मिसेस फिट्ज़रॉल, ओह यू शुडंट हैव सेड दैट। तो मिसेस फिट्ज़रॉल जो है वो कहती हैं अरे आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मिसेस पियर्सन, मिसेस फिट्ज़रॉल, आई विल मैनेज माई फैमिली, यू मैनेज योर्स। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं कि मिसेस फिट्ज़रॉल मैं अपनी फैमिली को मैनेज कर सकती हूँ, आप अपनी फैमिली मैनेज करें। जॉर्ज, टेकिंग हर ऑफ नाउ, आर यू एनी। जॉर्ज कहते हैं कि आप तुम इनके लिए भी शुरू हो गई एनी। मिसेस पियर्सन, दे आर वेटिंग फॉर यू एट द क्लब जॉर्ज, डोंट फॉरगेट एंड डोंट यू स्टार्ट क्राइंग अगेन डॉरिस। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं वो तुम्हारा क्लब में इंतजार कर रहे हैं जॉर्ज, इस बात को मत भूलो और अब तुम दोबारा रोना मत शुरू कर देना डॉरिस। मिसेस फिट्ज़रॉल, दैट्स इनफ, क्वाइट इनफ। तो मिसेस फिट्ज़रॉल कहती हैं बस बहुत हो गया बहुत हो गया। जॉर्ज एंड डॉरिस स्टेयर एट हर bewildered. अब जॉर्ज और डॉरिस जो उनकी तरफ कंफ्यूजन में घूर कर देखते हैं। टू जॉर्ज एंड डॉरिस, नाउ लिसन यू टू, आई वॉन्ट टू हैव अ प्राइवेट लिटिल टॉक विद मिसेस फिट्ज़, विद मिसेस पियर्सन, सो आई विल बी ओब्लाइज इफ यू लीव अस अलोन फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब वो जो है जॉर्ज और डॉरिस की तरफ जो है देख के बोलती हैं कि प्लीज आप दोनों सुने, मैं कुछ मिनट के लिए मिसेस फिट्ज़रॉल यानी मिसेस पियर्सन से जो है प्राइवेट में कुछ बात करना चाहती हूँ, तो ज्यादा अच्छा होगा आपके हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें। I will let you know when we have finished. मैं आपको बता दूंगी जब हमारी बातें खत्म हो जाएंगी। Go on please. I promise you that you won't regret it. आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से, मुझे पता है कि उसकी इसमें कोई गलत नहीं है, आपको कोई पछतावा नहीं होगा, आप जाएं यहाँ से। There is something here that I can only deal with. मुझे लगता है यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसके सिर्फ मैं ही डील कर सकती हूँ। जॉर्ज, आई एम ग्लैड समबडी कैन कॉज आई कांट, कम ऑन डॉरिस। तो जॉर्ज कहते हैं चलो मुझे इस बात की खुशी है कोई तो डील कर सकता है क्योंकि मैं तो नहीं कर सकता, चलो डॉरिस।